आप बोलोगे तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बंद नहीं करे बीच में करता, हाथ घिस जाए छाले बढ़ जाए, बंद नहीं करता। छाया सदा संघा
एक प्रैक्टिकल मैं अक्सर करवाता हूँ, आप सब लोग मुझसे कीजिए और आप फील करेंगे जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। आंखें आप बिल्कुल भी पूरे अंत तक कीर्तन तक नहीं खोलेंगे, जो भी मैं बोलता जाऊँगा उस कीर्तन में वो महाप्रभु की लीला नित्यानंद प्रभु की लीला जो भी सामने होगा वो आप अपनी आंखें बंद रखें। याद रखें जब आंखें खुलती हैं तो दिमाग चलता है, जब आंखें खुलती है तो जब आंखें बंद होती है तो दिल चलता है। तो आप दिल की सुननी है जब दिमाग की पढ़नी है ये सोच। इसलिए जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते पहले ऊपर बैठ जाओ आराम से शांत। उसमें आप लोगों को नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद
मांग रहे
Thank you.
भगवान की अत्यंत करुणा कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। गुरुदेव की करुणा और कृपा हमेशा वर्तमान में है। आज भी चर्चा कर रहे थे, जब गुरुदेव ना हो तो क्या करें। गुरुदेव ना हो ये शब्द ही नहीं हो सकता। अभी तो नहीं है गुरु जी, क्या करें। अभी तो गुरु जी नहीं है ये शब्द हो ही नहीं सकता। अगर ये शब्द है तो आपने गुरु जी का संग किया ही नहीं, दर्शन किया ही नहीं। तो किनका संग किया, किनका दर्शन किया, किया तो सही। आपको अगर थे लग रहे हैं, अभी नहीं लग रहे हैं, तो इट मीन्स आपने किनका दर्शन किया, किनका संग किया। क्या गुरु जी नहीं थे जिनका संग किया? देखिए संग वही नहीं, प्रैक्टिकल। क्यों नहीं संग हुआ, कैसे नहीं संग? संग होने से कोई भी व्यक्ति एक बार रसो वर्जन रसो पश्यन श्रेष्ठ रस मिलने के बाद निकृष्ट रस के प्रति कभी भी लोभित नहीं हो सकता। हमारे जितने गुरु भाई हैं, हम में से कोई भी कितना भी अच्छा प्रचारक निकल क्यों ना जाए, गुरु जी के स्थान पे देख सकता ही नहीं। क्यों नहीं देख सकता? प्रचारक हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। शिष्य हो सकता है गुरु का, गुरु नहीं हो सकता। इस बात को थोड़ा समझना होगा। जिसने गुरुदेव का संग किया उसे हमेशा गुरुदेव
का संग रहेगा ही रहेगा। एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता, जो पृथ्वी से अलग हट गया, जिसने सूरज का संग कर लिया, उसको सूरज का आभास, सूरज की रोशनी हमेशा मिलती रहेगी कि नहीं? जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर रहते हुए सूरज का संग कर रहा, उसको कभी अंधेरा तो कभी उजाला मिलता रहेगा। हम पृथ्वी का संग है ना, इसलिए पृथ्वी जैसे घूमती है हमें वैसे अंधेरा और दिन लगता है। ठीक इसी प्रकार हम वैष्णवों के पास, हम गुरुजनों के पास जब जाते हैं, इस शरीर में अहम, अस्मिता, अहंकार और अपनी बुद्धि को ले करके जाते हैं। ये बुद्धि, मन, अहंकार हमारी एक तरह का आवरण बना के रखता है, जिसके कारण से हम अंधकार में कभी होते हैं, कभी उजाले में होते हैं। आज गुरु जी का संग नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब हम अभी भी अपने अहंकार अहम में हैं। हम इस शरीर से उठ करके हमने तब भी संग नहीं किया था। कब? जब गुरुदेव धरातल पे थे। जिन्होंने संग किया था उनके मुख से कभी निकलते ही नहीं गुरु जी थे, निकलते यहां के लिए बोलेंगे तो उनके मुख से गुरु जी जब आए, गुरु जी आए तो ऐसा बोला, गुरु जी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा बोला। ये प्रेजेंट और पास्ट मिक्स है, इसमें पास्ट नहीं पूरा। तो किया वर्तमान में भी होता है, किया पास्ट में भी होता है। तो गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा नित्य निरंतर जीवों पे रहती है, परंतु हम लोग देख किस लिए नहीं पाते? क्योंकि हमने अपने अहम को, अपनी अस्मिता को इस शरीर में फंसा के रखा है। किसमें फंसा के रखा है? शरीर में रहने के कारण से हमें अपने आप का तो अनुभव होता ही नहीं, तो इस शरीर से बाहर की जो परम सत्ता है उसका अनुभव भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति रजाई के अंदर घुसा हो कमरे में, वो भी बेसमेंट की कमरे में, रजाई में घुसा हुआ हो, तो उसको बाहर से सूरज की किरणें क्या कोई ताप देंगी, कोई उसको फल देंगी? थोड़ा उजाला तो होगा। जैसे गुरु जी जब यहाँ पे लीला कर रहे थे, विराजमान थे यहाँ, तो उस वक्त जो यहाँ वर्तमान में थे उन लोगों को उस वक्त बहुत अच्छा लगा किनके दर्शन के, उजाला तो हुआ, लेकिन थे अपने कवर के अंदर, रिजाई के। इसलिए कहते हैं, बड़ा सुंदर दोहा है, संत दर्श को चालिए त्यज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ से। तो गुरु दर्शन को चालिए, त्यज माया, माया का अभिमान छोड़ करके, जो नहीं है उसका अभिमान छोड़ करके, नहीं है मगर दिखता है, ये शरीर नहीं रहेगा। रोज आप इस शरीर की अनुभूति से अलग हो जाते, रोज आप इस शरीर से अलग होते हो, हर रोज जैसे सोते हो आप अपने अलग ही स्वप्न देश में होते हो, अलग होते हो, आपको स्वप्न पता ही नहीं होता कि चद्दर पड़ी हुई है कि नहीं, मुंह में उठ करके चद्दर डाल दिया, ठंड लग जाए, बात समझ रहे हो? जब शरीर से आप हर रोज अलग होते हो, हर रोज शरीर में ही रहते हो, हम लोग भगवान को, गुरु को, उनकी कृपा को अनुभव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम शरीर से अलग होकर के उनको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। हम माया का अभिमान, जो है ये शरीर दिख रहा है नहीं, जो दिख रहा है उसका अभिमान छोड़ के कभी गुरु वैष्णव के पास जाते हैं? जब जाएंगे नहीं तो उनका दर्शन कहां से होगा? जब दर्शन ही नहीं होगा तो संग कहां से होगा? जब संग ही नहीं होगा तो कोटिन यज्ञ के समान वाली बात कहां से आएगी? गुरु जी कई बार बोलते संग का मतलब सम्यक अनुगमन इति संग, सम्यक गमन, सम्यक अनुगमन इति संग, सम्यक रूप से जैसा वो चाहते हैं वैसा चलना। कई गुरु भाई हैं, कई मित्र हैं यहाँ पे, कई लोग दीक्षित अदीक्षित बहुत लोग हैं। दीक्षितों को भी अगर पूछा जाए कि भाई तिलक डेली लगा रहे हो,
मंत्र सुनाओ, मंत्र उल्टे सीधे सुनाओ, हरिनाम कर ध्यान कर रहे, कितनी माला कर, जितनी हो जाए। बड़ी मतलब दया करते हैं हम, जितनी हो जाए। रोटी बहुत तो खानी है, पर इतना भगवान के प्रति नहीं, हम लोग अपने आप के प्रति इतना उदासीन है। वास्तविकता में भजन तो भगवान का हम कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, हम लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते जब तक हम लोग हैं। हमारे साथ जब और लोग होंगे, कौन कौन से लोग हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांच विषय, इन पांच विषयों को चखने वाली इंद्रियां कितने हो गए, पांच जने तो हम में आ जाते हैं ना, फिर मन बुद्धि अहंकार, 28 तत्व हमारे साथ हैं। कितने तत्व हैं, गिनने नहीं, गिनने गिनने पांच तत्व, अग्नि आकाश जलवायु मिट्टी, ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां इसको समझा करो, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, वाणी जो बोल रही है, वाणी हाथ पैर पेट और मलमूत्र के स्थान, ठीक है, पांच कर्म इंद्रियां कितने हो गए, 15, पांच इनके विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, कितने हो गए, और पांच इनकी तन्मात्राएं, पांच इनकी तन्मात्रा, तन्मात्राएं किन्हें कहते हैं, जिनसे ये इस जगत में दिखलाई देते हैं, समझ में आते हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, पांच प्राण हैं हमारे, प्राण पांच होते हैं, हम श्वास लेते हैं आप उसको प्राण कहते हैं, अपान, ये पांच प्रकार की वायु है, वो पंच प्राण कहेंगे। इस प्रकार से ये ज्ञान कपिल भगवान ने देवभूति मैया को दिया। अब मैं आपको अगर वो ज्ञान देने लगा तो आपके समझ में आएगा नहीं, कुछ लोग सो जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे यार ठीक हो नहीं, इसलिए मोटी मोटी बात समझने वाली जरूरी बात ये है, इतने लोगों के साथ मैं गुरु के पास नहीं जा पाया, हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास बैठे हैं, बैठे बैठे दिमाग कहीं और चला गया, कोई चीज देख कर, क्या गुरु जी का संग हुआ, गुरु जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कथा श्रवण करने के बाद प्रणाम किया, उठे तो सब गायब हो गए, क्या गुरु जी का संग हुआ, बहुत कम लोग हैं, बठिंडा के अंदर उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जिन्होंने गुरु जी का संग किया है वास्तव में। हम लोग आभास हमने प्राप्त किया, संग नहीं, संग का आभास, आभास होना और संग होना दोनों में अंतर है। जैसे सूरज के उदित होने से पहले, किरणों के आने से पहले अंधेरा दूर हो जाता होता है, लेकिन जैसे किरणें आती हैं, उन किरणों में जिसने नहाया है, उन किरणों से जो स्नान किया, उस किरणों की जो शक्ति है वो वह जान सकता है, लेकिन वो उल्लू कभी भी नहीं जान सकता जो कि उसके उदित होने से पहले आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उल्लू की जो नेत्र है ना, पलके जो है बहुत पतली होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है, अगर वो सूरज को देखेगा तो उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी, रात को भी दिखेगा उसको, इसके कारण से उल्लू को कहते हैं दिन में दिखाई देता, दिन में दिखाई देता है छाया में उसकी। हम लोग गुरुदेव के आभास में रह गए, उनके किस में रह गए, आभास में रह गए, संग के आभास में, बहुत ध्यान से सुन, हम उनके संग में अगर होते, मतलब हमने अगर संग किया हुआ होता तो आज भी आपको गुरुदेव की कृपा का अनुभव हो रहा होता। कैसे अनुभव हो रहा था, कोई है आप में से बताने वाला, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने इस बात को बतलाया,
गुरु तत्व के ऊपर। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने बतलाया, श्री गुरुदेव ने दिखलाया, बतलाया दोनों ने, उन्होंने दिखलाया। मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता किसी, लेकिन आप जो नीचे बैठे हुए हैं इनमें से किसी को मालूम है कि गुरुदेव का जिसने वास्तव में संग किया उसका दर्शन कैसा होता है, उसको गुरु कैसे दिखलाई देता है, उसको गुरु कृपा नित्य निरंतर कैसे दिखलाई मिलती है, बता सकते हैं? हाँ जी, ऊपर वालों से डर लगता है, मेरे से सारे ज्येष्ठ हैं। ध्यान देना, श्री श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं गुरु देव हमेशा हैं। कैसे हैं उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, वही प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। अमर गुरु नित्य सत्य आवर्तमान, मेरे गुरु नित्य सत्य वर्तमान है। श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज लिखते हमारे गुरुदेव सर्वत्र हैं। गुरु जी उसको बहुत ही सरल भाषा में बोलते हैं, हमारा गुरुदेव आप लोग का हृदय में बैठ करके श्रोता रूप से बैठ करके हरि कथा सुन रहा है, हमको तो गुरु दक्षिणा देना होगा, कैसे देगा, क्या है वो ज्ञान संदेशन, दक्षिणा ज्ञान संदेशन, जो गुरु दक्षिणा है वो ज्ञान संदेश ही है, यही आप मेरे गुरु दक्षिणा। गुरुदेव का अद्भुत जीवन चरित्र है, उनके जीवन चरित्र से दिखलाई देता है कि गुरुदेव नित्य कैसे अनुभव होते हैं। गुरुदेव के सामने कई बार गुरुदेव के शिष्य मतलब हमारे गुरु भाइयों ने बकवास किए, बकवास जोर से चिल्ला दिया, बोल दिया। गुरुदेव उस वक्त तो थोड़ा आवेश में बोले, लेकिन उसके बाद में गुरुदेव शब्द क्या बोल रहे हैं, गुरु कहते हमको तो गुरुदेव शासन किया, हमको गुरुदेव शासन किया, हम ऐसा नहीं करें। फिर भक्तों का हुजूम गुरुदेव से प्रार्थना करता कि नहीं आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हम जो है हमें मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरु जी क्या बोलते, हमको गुरु जी आदेश किया हम ऐसा नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे, एक तरफ शिष्य ने बोला उसको गुरु जी ने स्वीकार किया कि ये नहीं ऐसा बोल सकता है, ये गुरु जी बोल रहे, एक तरफ दूसरे शिष्य ने बोला उसमें भी गुरु जी हैरान होंगे, ऐसा व्यक्तित्व ऐसा चरित्र दुनिया में खोजने में नहीं मिलता कि जिन्होंने अपने शिष्य को शिष्य समझे ही नहीं। शासन नाम की क्या चीज होती है, गुरुदेव ने अपने ऊपर लेके तो बोला लेकिन डायरेक्ट किसी भी शिष्य को नहीं बोला। एक बार पता लगा हमारे तो मठों में वैसे ही पैसे का अभाव था, है लाइव में मैं क्या बोलूं, क्योंकि हमारे जितने भी भक्त हैं मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं, तो पैसा बेचारे अपना परिवार किस तरीके से पालन करते हैं, जहाँ क्योंकि मठ ने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके बावजूद थोड़ा बहुत पैसा किसी ने जमा करके रखा। अब गुरुजी उसको शासन करना चाहते हैं, क्या शासन कर रहे हैं, हम इसलिए मठ में आया खुद के ऊपर, हम किस लिए मठ में आया, लोगों का भिक्षा का पैसा मिला उसे बिल्डिंग बनाया मालिक हो गया, पैसा जमा करके रखेगा, किसको बोल रहे, शिष्य को खुद को। एक बार हमारे परम पिता निष्किंचन महाराज ने गुरु जी से बोला, कुलदीप जी भी वहां थे शिमला में,
गुरुदेव से बोला, महाराज जी मठ में शासन होना जरूरी है। मठ में शासन सोया सोया हुआ है, जगा जगा हुआ है, सो ही नहीं रहा, कथा में आया ही हुआ, बैठा ही हुआ है, उठ ही नहीं रहा, मतलब कहने का मतलब। देखिए मैं जो बातें इस वक्त बोल रहा हूँ मठवासियों की, गृहस्थियों को भी अपने आप को समझना होगा कि कितना कीचड़ में घुसे हुए हैं। मैं मठवासियों के बीच में ना इसलिए मठवासी की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अपने आप को अपनी जगह पे देखना जरूरी है। श्री गुरु महाराज जी के पास में जाकर के परमपति निष्कंद कुमार गोस्वामी महाराज ने बोला कि महाराज शासन होना चाहिए। गुरु कहते क्या शासन करेगा, महाराज कथा में नहीं आते सवेरे, ब्रह्मचारी सोए रहते हैं, उनको खाना पीना बंद, प्रसाद नहीं मिलता, सब मठों में ऐसा नियम बनाओ, सब लोग बैठेंगे सोला माला करेंगे, क्योंकि इस कौम में बहुत अच्छे नियम हैं, बहुत ही अच्छे नियम मानने वाले। वो महाराज जी थोड़ा सा उसके कारण से उन्होंने गुरु जी से बोला, आप ध्यान देना गुरु जी की सिचुएशन क्या है, गुरु जी की सिचुएशन है उनके मैक्सिमम मठ में उन्हीं के गुरु भाई, तो गुरु सेवक भय मान्य अपना, गुरुदेव का जो सेवक है, गुरुदेव का जो शिष्य मेरा माननीय है सम्माननीय है, इस भाव से गुरु जी किसी पे शासन नहीं करते। अब शिष्यों की बात आई कि जो शिष्य वर्ग है हम लोग जहां मठवासी उनके ऊपर शासन की बात आई, तब गुरु जी ने एक बात कही, हमारा आचरण देख करके और कोई शोधित होता है ठीक है, नहीं तो हम इसका वो नहीं दिया। तब महाराज जी ने थोड़ा और जोर दे के बोला, महाराज जी ऐसे करने से नहीं होगा, कोई नहीं सीखेगा, सब सब गड़बड़ हो जाएगा, शासन तो करना ही पड़ेगा। तब गुरु जी ने बोला, हम तो भगवान का जो भाव है वो लिया है, भगवान का भाव क्या है, जीव को स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है, और वो जो उपदेश दे रहे हैं जो स्वीकार करे करे, नहीं करे तो भगवान किसी को जबरदस्ती अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते, एक इशारा करें कि सारे के सारे जितने हैं वो सर्वधर्मान परिगज्य मामेकम शरणम व्रज, ये कह सकते हैं कि मेरी शरण में आ, लेकिन भगवान ने बोला मेरी शरण में आ जाओ, अगर भगवान कहें आ जाओ तो कोई रोक सकता है, वहां स्वतंत्रता, अहम त्वां सर्व पापे भ्यो मोक्षयामि, मैं तुम्हारे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, वहां पे स्वतंत्रता दी है, आएगा तो मुक्त कर दूंगा, स्वतंत्रता दी है। तो भगवान भी, गुरु जी का कहने का मतलब यह था, गुरु जी कहते भगवान का भाव दिया, वो शासन नहीं करता हम क्या करें, गुरुदेव के शब्द थे भगवान का वो शासन नहीं करता हमको, इसलिए हम अपने पे शासन कर सकता है, हमको देख करके अगर कोई शिक्षा लेता ले महाराज जी चुप। तो गुरुदेव ने हमेशा ही स्वयं को बोल करके, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वयं को बोल करके अपने आप को बोल के शिक्षा दी। मैं हैरान हो गया कि रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया कि महाराज जी आप कुछ बोलिए इसके ऊपर। मैं वैष्णव शब्द तो उनके लिए प्रयोग कर सकता हूँ, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन को अपने दुराचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए यहाँ तक बोल दिया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी ऐसी स्थिति थी, इसलिए उन्होंने बोला गोपीनाथ मम निवेदन सुना मैं विषय दुर्जन सदा कामरत की चुनाव बोल कि मेरा कोई गुण नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने फील किया उस चीज को। भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में मैंने इसको अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव तिथि के ऊपर इसको बहुत जोर देकर बोला था कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा लिख भी कैसे सकते, सिंपल सी बात है कि गोपीनाथ आमी तो कामेर दास, मैं तो वासना का दास हूं, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, विषय वासना आर नाही, विषय वासना आर नहीं सहे,
भजन गीति में तीन है ना, भजन गीति में गोपीनाथ, गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला, अपनी भजन गीति में गोपीनाथ बुझाओ है भाई। और देखो पीली वाली भजन गीति कितनी गोपीन, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखेंगे क्यों, प्रश्न निकालना, उसको निकालना जिंदगी में। ये अविद्या यातना आर नाही सहे जन्म मरण माला, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे गोपीनाथ, आमी तो कामेर दास विषय वासना जागी से हृदय, फांदी से कर्म फांस, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं। इस बात को दुराचारी लोग, माफ करना, दुराचारी लोग इस बात को अपने दुराचार पे पर्दा डालने के लिए बोल रहे हैं भाई हम तो ग्रस्ती हैं। तब ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर भी ग्रस्ती थे, दुराचारी लोग अपने दुराचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए बोल रहे हैं कि उनके हृदय में भी ऐसा था, तभी तो लिखा, तभी तो दिल में लगती बात, दिल से निकली दिल में लगती। इस बात को मैंने रिसेंटली भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव के दिन बोला कि लिखा कैसे, ध्यान देना बड़ी सुंदर बात आ रही है, इसको सब कान खोल लो, अगर सोए हो तो जाग जाओ, राधाकांत आंखें खोलो, ये दोस्त है। बड़ा है छोटा, ध्यान देना, भक्ति विनोद ठाकुर जब आए थे तब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में अंधकार का समय था, अंधकार का समय का मतलब महाप्रभु जी की परंपरा को उच्चारण करके चैतन्य परंपरा का नाम लेकर के लोग थूकते थे, बंगाल की स्थिति थी, पंजाब इत्यादि में प्रचार फैला नहीं था, बंगाल में यह स्थिति थी, और माफ करना वृंदावन में यह स्थिति थी कि वृंदावन के अंदर जितने ब्रजवासी हैं उन्होंने उठा करके सारे बंगालियों को निकाल दिया, चाहे वल्लभ कुल से निकाला, चाहे वो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदरी उठा करके सबको चलो जाओ, ऐसी स्थिति थी परम अपनी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की। उस वक्त भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, मैंने वहां पे उस परंपरा का नाम लिया, नाम लेकर के मैंने उनकी परंपरा का ढंग बतलाया कि कारण क्या था, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्यों लिखा, इस बात को थोड़ा समझ लेना, जीवन में कभी ये क्वेश्चन आए ना सामने तपाक से उसको जवाब देना, स्थिति क्या था, स्थिति ऐसी थी कि लोग अपना मूत्र पिला करके दीक्षा देते थे, मैं मूत्र शब्द बोला दूसरी चीज, मूत्र पिला करके गुरु दीक्षा देते थे, परंपरा थी बाउन, आज भी वो परंपरा है, बावला नहीं हाउल नहीं बाउल, उस परंपरा में ऐसी दीक्षा होती थी, गुरु ऐसी दीक्षा देते थे, और जिसके कारण से जितने सुधी व्यक्ति थे बुद्धिमान व्यक्ति थे सारे महापुरुष की परंपरा की निंदा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूरी परंपरागत वैदिक परंपरागत जो आई हुई परंपरा है उससे बिल्कुल हटके विपरीत एक परंपरा चालू की। क्या परंपरा थी कि जो भी ग्रंथ लिखे जाएंगे हाथों से लिखे जाएंगे, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जो ग्रंथ को कोई मतलब प्रेस वगैरह का कोई भी सिस्टम ग्रंथों के लिए नहीं होता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने सभी की गालियां सुनते हुए ग्रंथों को उठाकर जब प्रेस में डाला, जब प्रेस में डाला तो लोगों ने उसे अपवित्र बोलना शुरू किया, किन लोगों ने, यही आउल बाउल करता माता बाजा जात गुसाई, इन लोगों ने बोला ये अपवित्र है क्योंकि इसके ऊपर मतलब छापा लगा है, और छापे वाला जो ग्रंथ होता है वो कोई ग्रंथ सत्य नहीं होता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की नदिया प्रकाश और ग्रंथ जो डेली न्यूज पेपर निकलते थे उनके अंदर बड़ा जबरदस्त प्रकाशित हुआ, क्या नाम भी कभी कम बढ़ती हो सकता है, क्या नाम भी पवित्र अपवित्र हो सकता है, लिखने से नाम पवित्र हो गया क्या, इस तरीके से बहुत से आर्गुमेंट्स हुए। कम टू द पॉइंट, विषय पे वापस आ रहा हूं,
उस प्रचार से गली गली में नगर नगर में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्यों ने जा जाकर ऐसा प्रचार किया कि जो कोई बाहुल परंपरा के लोग थे, आउल परंपरा के लोग थे, नाड़ा नैड़ा नैड़ी जात गुसाई के जितने परंपरा के लोग थे जो कुकर्मी हो चुके थे, क्या हो चुके थे, क्या हो चुके थे, कुकर्मी हो चुके थे, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। हाय हाय, महाप्रभु की ऐसी दिव्य परंपरा थी, हाय हम तो इधर गलत आ गए, हमारा तो निस्तान नहीं होगा, हमने तो बहुत पाप कर लिए। उनके हृदय में बहुत भयंकर पश्चाताप होने लगा। अब निकले तो निकले कैसे, भक्ति विनोद ठाकुर से रहा नहीं गया। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। वो अपने मुख से शब्द भी नहीं बोल पा रहे कि हम बोले तो प्रार्थना क्या करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, गोपीनाथ आमी विषय गुरुजन, वो तब सारे के सारे पागल और बतवाले होकर के उन सब परंपराओं को छोड़ करके जो कि दुष्ट परंपराएं थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी की शरण, प्रभुपाद जी की शरण में आने लगे। ये कारण था भक्ति विनोद ठाकुर जी के वज्रों को लिखने का। उनके अंदर कोई दैन्यता भाव या तुम लोगों को देख करके, हम लोगों को देख करके ये नहीं आया, ये आया कि ये पतितों को उद्धार होगा कैसे, जब तक अपने मुख से बोलेंगे नहीं कि हमने ये पाप किए हैं तब तक होगा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने हृदय को जाना, उस हृदय के कष्ट को, उस आत्मा को वहां से तड़पता हुआ देखा, बगैर उसको शब्द नहीं आ रहे, जैसे अपने बच्चे के मुख से शब्द नहीं निकलता है, मामा मम्मी माफ कर दो, पापा जी मुझे माफ कर दो, पापा जी मुझे माफ कर दो बोलने के लिए पत्नी अपने पति को पापा बोलती है। क्या पत्नी का पति पापा है? पत्नी का पति पापा है क्या? पति के पति का पत्नी जो है क्या वो माता मम्मी है? लेकिन अपने बच्चे को सिखाने के लिए बोल जा मम्मी से, कान पकड़ के बोल मम्मी मैं माफ कर दो, बच्चे को पकड़ के अपनी पत्नी को दिखलाते हुए बोल मम्मी से मम्मी माफ कर दो। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इन पतितों के उद्धार के लिए गोपीनाथ मंगलवेदन सुन उनके कष्ट को देखते हुए कि बोल नहीं पा रहे, उनको बोलना सिखाना है। वो बोलना सिखाने के लिए, प्रार्थना सिखाने के लिए उन्होंने उन प्रार्थनाओं को प्रकट किया, परंतु अपनी स्थिति के अनुसार अगर हम इन्हें देखते हैं तो हमारे ऊपर ये फिट बैठते हैं। और अगर ये अंतःकरण से प्रार्थना निकले तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा आएगी, क्योंकि साधारण सी बात है, दीनहीन पतित लोग जितने भी लोग हैं वो भगवान को पुकारे भगवान सुनेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। शरंग शरणागति है वे जहां कहां प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, तब उनकी छह प्रकार की शरणागति होगी तब सुनेंगे, और छह प्रकार की शरणागति लाएगा कहां से? वो व्यक्ति तो पतित अधम दुराचारी है, दुराचारों में फंसा हुआ था, तो वो भक्ति में ठाकुर तो स्वयं शरणागति की मूर्ति, भगवान श्री राधा रानी की नित्य परिकरी है, तो उनकी प्रार्थना क्या ठाकुर जी नहीं सुनेंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस जीव के हृदय के कष्ट को देखते हुए उसकी जगह पर प्रार्थना की, प्रभु ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना को जब वो जीव करता है, पतित अधम जीव करता है, हमारे जैसा जीव करता है, तो भगवान का बाध्य हो जाते सुनने के लिए। इसीलिए गुरुदेव ने एक बार कहा था, ये शब्द ब्रह्म है, महापुरुषों की वाणी है वो क्या है, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करो, शब्द ब्रह्म शब्द का अर्थ पता नहीं है। इतने सत्संगी हो भाई, क्यों बेइज्जती करा रहे? शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? भगवान की वाणी। और कोई कुछ बोलेगा शब्द ब्रह्म का और कोई अर्थ? इतने दिन हो गए मैं तो सुनते हो, हाँ जी चलो बड़े वाले बताओ शब्द ब्रह्म का अर्थ, प्रभु जी आप बोलो राम को। शब्द ब्रह्म जो भगवान का और शब्द जो भगवान, शब्द ब्रह्म जो शब्द है वही भगवान, शब्द ब्रह्म मतलब जो शब्द है वो भगवान है। ऐसे कैसे होता है शब्द भगवान जी? सारी सृष्टि जो हुई है वो शब्द से, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो हमारी फिलॉसफी को ले जाकर के अमेरिका ने स्टंप मार के दी, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? हाँ नाम सुनते हैं, हाँ अब समझ आया।
हमारी थ्योरी को ले जाकर के उन्होंने स्टंप मार के दी, अपना नाम लगा के कि हमारी बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये बात थोड़ी सी क्लियर की है। नाद उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद के अंदर शब्द ब्रह्म के ऊपर बहुत विस्तीर्ण चर्चा है। तो ये शब्द ब्रह्म बोलने का मतलब जो शब्द इस जगत का नहीं है परमात्मा से उतरा है, जो शब्द इस जगत का नहीं है परमात्मा से आए, परमात्मा ही शब्द रूप से आया है, उसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। अब विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना भगवान कैसे हो सकती है, क्योंकि वो भगवान के अंतकरण को खींच के रहा है, भगवान को खींच के उतार रहे हैं। तो भगवान का नाम जैसे भगवान से बड़ा है, ऐसे भगवान के भक्तों के हृदय से निकली प्रार्थना भगवान को खींच के ले आती है और उस पतित के पास ले आती है जो पतित कभी भगवान को मुंह दिखाने लाए, और उसको भगवान का नाम पहले पवित्र करता है, भगवान की भक्ति उसे शोधित करती है, शोधित अंतकरण से शुद्ध अंतकरण और भक्ति के संयोग से भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए कहते ना वसुदेव शब्द का अर्थ होता है क्या, शुद्ध अंतकरण। क्या अर्थ होता है, शुद्ध अंतकरण को कहते हैं शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। शुद्ध विशुद्ध रूप से जब होता है तो उसको शब्द, उसका एक शब्द मतलब वसुदेव, उस वसुदेव के साथ भक्ति अर्थात देवों की, देवकी, देवों की देवकी का जब मिलन होता है, भक्ति और शुद्ध अंतकरण जब आपस में मिलते हैं, वहां पे भगवान वासुदेव का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो ये जो शब्द ब्रह्म है भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना या गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ या कोई महापुरुष की वाणी, सूरदास इत्यादि संतों ने उनकी वाणी, वो भगवान को खींचने वाले, भगवान को आनंद देने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाले। नरोत्तम ठाकुर जी की ऐसी ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं हैं, कबीराज गोस्वामी की ऐसी ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं जो हमारे करते नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं कार्तिक मास में, तो वो सब भगवान को आकर्षित करके आनंद प्रदान करने वाले। ठीक है, आज मैं तत्वों की बातें कर रहा हूँ, मेरे से बोला गया था कि महाराज जी कुछ लीला कथाएं में है ना, आप तत्वों की बातें, लेकिन आज जरूरी समझा कि कम से कम आप लोग इस बात को समझिए कि गुरुदेव की कृपा नित्य निरंतर होती रहती है, परंतु वह नित्य निरंतर कृपा का अनुभव व्यक्ति को तब होता है जब व्यक्ति भगवान गुरुदेव का सब जगह अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है, जैसे गुरुदेव अपने ऊपर ही शासन को लेते, दूसरे के ऊपर शासन करने की भावना ना रखते हुए उसको अगर शासन भी करना तो स्वयं के ऊपर शासन देते, इसलिए कि गुरुदेव ही मेरे पे शासन कर रहे हैं, और इस शासन को देख के कोई शासित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो। इस प्रकार से गुरुदेव का आचरण, एक बार जो श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बोली वो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा जहां भी मुझे कोई सब उपदेश मिलता है ये मेरे गुरुदेव ही दे रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है, मतलब इसके ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती। जहां भी मुझे कोई सब उपदेश मिलता है वो मेरे गुरुदेव ही दे रहे हैं, किसी के माध्यम से, माध्यम वो नहीं है, माध्यम सद शिक्षा है, सद शिक्षा मेरे गुरुदेव को, तो लिंक हमेशा गुरुदेव से बना रहे। कुछ भी अच्छा हुआ तो गुरु की कृपा से, जो हो रहा है गुरुदेव की करुणा से हो रहा है। ऐसा भाव जब भावित हमारी आत्मा होगी तब हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन जो स्वयं के ऊपर लेकर के बोले गए, गुरुदेव जी की वाणी जो स्वयं को शासन करने के लिए बोली गई, तब समझ में आएगी वास्तविकता में वो गुरुदेव की करुणा है, हमारे साथ हमेशा है, कीर्तन के रूप में है, शब्द के रूप में है, उपदेश के रूप में है, या किसी के माध्यम से कही हुई अच्छी बात के रूप में, गुरुदेव हमेशा जीव के साथ है इस दृष्टि से। ठीक है, जब ऐसा संग हो जाता है तब मेरे को एक बात बताओ, कोई अपनी पूजा भगवान के सामने करवा सकता है या अपनी पूजा गुरु के सामने करवा सकता है, कैसे करवाएगा,
तो इसलिए गुरु जी को देखो, रवि ने गुरु जी ने अपने चरणों को दिया, लो दो लो दिया। जब बिल्कुल असमर्थ हो गया शरीर, जब जब शरीर में जोर नहीं है तो जोर जबरदस्ती करके एक दो साल चरण को धोने का प्रयास हो गया, अन्यथा गुरुदेव नहीं देते। क्यों? उनको हमेशा अपने गुरुदेव ही नजर आते, गुरुदेव का ही सहन करते। तो ये भावनाओं को गुरुदेव की अगर हम लेंगे कि हमें जिनका संग करना है उनका ही ध्यान आना चाहिए। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी का अगर बच्चा गुम जाए, ना मिले, तो उसको कोई भी फोन आएगा तो उसको ऐसे लगेगा मेरे बच्चे की खबर होगी। कोई भी आदमी, कोई भी बच्चे की आवाज सुनाई देगी, हाय वो ही तो नहीं। कोई भी साइकिल स्कूटर आएगा उसको क्या लगेगा, वो कोई देखिए फोन आया कोई खबर लग गया, तू तो तुझे कितना रहता है। ऐसा दीवाना पर नशा पागल पर अगर गुरु के लिए हो जाए तो गुरु कभी भूल नहीं है, गुरुदेव हमेशा नजदीक के पास है। और एक बात मैं आपसे कहूँ कि आप लोग अब दो चार दिन मैं यहाँ पे हूँ, 2 तारीख तक, कल को हमारे कर्म पूज्यपाद दत्तलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के दो गोपीनाथ बोड़ी मठ के वर्तमान आचार्य हैं परम पूज्यपाद शिला भक्ति विभुत बोधायन महाराज जी, कल वो आ रहे हैं और उनकी सभा होगी। परसों से कल सुबह जो है श्री जय धर्म जी का पाठ जो मेरा चल रहा है बहुत दिनों से, वो सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक ठीक टाइम से ख़त्म होता है, टाइम से शुरू होता है, आगे पीछे आओगे तो आपकी मर्जी है। तो 6:30 से 7:30 बजे तक जय धर्म का पाठ, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों को दिक्कत आती है, शब्द पढ़ते हैं शब्द का अर्थ समझ नहीं आता, आगे बढ़ जाते हैं और जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो एक गुरुदेव की प्रेरणा से अभी शुरू हुआ है, कुछ महीनों से लगा 4-6 महीने हो गए। तो जय धर्म का पाठ चल रहा सवेरे 6:30 से 7:30 बजे तक जय धर्म का पाठ, शाम को ये सभा जो कल को होगी, और परसों से लगातार दोनों टाइम सवेरे जय धर्म, शाम को पता नहीं मैं क्या बोलूँगा। अगर आप लोगों में से कोई वैष्णव आदेश दे कोई विशेष प्रसंग के लिए उस प्रसंग को ही बोला जा सकता है, और नहीं तो जो आएगा उनको बोला जाएगा, क्या करें, कोई विशेष देख लीजिएगा आप, गर्व साहब हैं आप लोग हैं, जो भी निर्णय करेंगे किसी विषय पे तो उस विषय की विशेष चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा कथा के अंतिम में वो या आपकी अपनी साधना में भजन में रुचि अरुचि या साधन नहीं बन पा रहा है या और बातें जो आपकी समझ में नहीं आ रही उनको आप पूछ सकते हैं निसंकोच। कोई ऐसे तर्क वितर्क आपके दिमाग में आए हुए हैं जो कि भगवान जी के बारे में हैं या हमारे धर्म के बारे में हैं, आप जवाब नहीं दे पाते हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा को हम लोग यही विश्राम देंगे, 15 मिनट बचे हैं कीर्तन करते हुए आज सभा मेरे को बोला था बाल्य लीला ठाकुर जी की, जहाँ ठाकुर जी भी को प्रसन्न ऐसा सुना। आगे देखें आप लोग दो निर्णय कर लेंगे परसों से उसका 5 दिन का बंद कर।